जय हिंद बच्चों। तो बेटा आज अपने स्टार्ट करते हैं 12वीं कक्षा के भूगोल विषय की तैयारी, और वो भी घर बैठे आपके अपने मुकेश सर के साथ। तो बेटा जैसे कि आपको पता है, आपका भूगोल टोटल 14 यूनिट में बंटा हुआ है, 14 यूनिट और पाठ है उसके अंतर्गत 25। तो आज अपने बात कर रहे हैं 11वीं यूनिट पर, 11वीं यूनिट जो बोर्ड परीक्षा में आपके 4 नंबर की यूनिट है। इसके अंदर आपके दो चैप्टर आते हैं, 21वां पाठ और 22वां पाठ। तो आज अपनी 11वीं यूनिट के 21वें पाठ भारत में नियोजन पर बात करेंगे, हमारे देश के नियोजन, हमारे देश की प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटा अपनी ये बात करते हैं भी प्लानिंग क्या है। देखिए बेटा, प्लानिंग है भी किसी भी काम को करने की पूर्व तैयारी। कोई काम करते हैं हम, उसकी पहले बैठकर प्लानिंग कर लेते हैं, एक योजना बना लेते हैं, उसको एक आउटलाइन बना लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग उस कार्य को संपन्न करते हैं, तो उसे कहा जाता है प्लानिंग। ये काम हर व्यक्ति करता है अपने घर में, जहां जॉब करता है वहां जॉब की, जैसे हम आपको पढ़ाते हैं तो पूरे वर्ष भर की हमारी प्लानिंग होती है भी हमें किस किस तरीके से कब कब क्या करना है, कब आपका पहला टेस्ट, दूसरा अर्धवार्षिक, वार्षिक, किस प्रकार रिजल्ट, ये सारा हर विभाग अपना कोई न कोई अपनी प्लानिंग अपने तरीके से करता है। तो अपने यहां सबसे पहले, अब ये जैसे अपने घर पे हुआ, अब उसी तरीके से अब हम पूरे देश की बात कर रहे हैं भी हमारे देश की प्लानिंग, हमारे देश का नियोजन किस प्रकार से होता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं बेटा भी नियोजन क्या है। आपको छोटे छोटे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी आपको समझना है इन चीजों को, और इन फ्यूचर आपको कंपटीशन में भी आपको यही चीजें काम आनी है, तो थोड़ा सा इजी रिलैक्स मूड एंजॉय करते हुए इस टॉपिक को समझें, बोर नहीं होंगे आप, फील मत कीजिएगा इस बात को। प्लानिंग क्या है इस पे बात करेंगे, प्लानिंग किसे कहते हैं, उसके बाद हमारे देश में प्लानिंग की आवश्यकता क्यों है इस पर बात करेंगे, फिर इस प्लानिंग के लिए किस प्रकार के इंस्टीट्यूट यानी संस्थाएं बनाई गई है, वो संस्थाएं कैसे काम करती है, उनके काम क्या क्या है। तो आज पहले अपने इन मुद्दों पर बात करें भी नियोजन क्या है। तो सबसे पहले जैसे आप यहां बोर्ड पर देखिए, हमने एक बहुत ही सिंपल सी परिभाषा अभी मैंने आपको समझाई, मैंने यहां लिखी है नियोजन यानी प्लानिंग किसे कहते हैं, संसाधनों का उचित उपयोग करके। संसाधन वो कोई भी चीज जो मानव के लाभ के लिए होती है, जो हमारे लिए फायदेमंद होती है, वो हर चीज संसाधन कहलाती है। जैसे मैं आपके लिए फायदेमंद हो रहा हूं तो मैं भी संसाधन, ये बोर्ड हमारे काम आ रहा है ये भी संसाधन, ये पेन भी संसाधन, तो जो भी चीज हमें काम आती है वो संसाधन। तो अब इसके अंतर्गत क्या है, संसाधन जो भी हमारे पास है उनका उचित उपयोग। हम प्लानिंग में क्या करते हैं, पहले सर्वे करवा लेते हैं संसाधनों का भी क्या क्या चीज हमारे देश में उपलब्ध है, फिर उन संसाधनों का उचित उपयोग करके भी जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करें, बाकी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ दें। तो संसाधनों का उचित उपयोग करके आर्थिक विकास प्राप्त करने की प्रक्रिया को, प्रणाली को नियोजन कहा जाता है। दोबारा देखिए, नियोजन संसाधनों का उचित उपयोग करके, संसाधनों का उचित उपयोग करके आर्थिक विकास प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है नियोजन। तो संसाधनों का उचित उपयोग करके आर्थिक विकास प्राप्त करने की प्रक्रिया को नियोजन कहते हैं। एक बात हुई, दूसरी बात बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है बेटा आपके लिए भी, भारत में नियोजन की आवश्यकता क्यों है, या ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं भी भारत में नियोजन होना चाहिए। तो देखिए, इसमें नियोजन के लिए मैंने यहां पॉइंट भी लिखे हैं, लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए हम चाहते हैं हमारा लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली है उसमें प्रोग्रेस हो। हालांकि अगर यही प्रश्न आपके आता है बेटा, जैसे 2000 बोर्ड परीक्षा में आया भी है भी भारत में नियोजन की आवश्यकता के दो कारण लिखे आपके वहां उस टाइम 2018 में, दो कारण पूछ रखे हैं, तो आप एक तो ये लिख सकते हो संसाधनों का उचित उपयोग करके आर्थिक विकास प्राप्त करना या करने के लिए,
बात में जो आपने प्लानिंग की परिभाषा है वो कारण में भी आप दे सकते हो, भी संसाधनों का उचित उपयोग करके आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए, करने की प्रक्रिया को नियोजन कहते हैं। और नियोजन की आवश्यकता क्यों है? आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए। अब उसके बाद और आप क्या क्या लिख सकते हैं? लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए, हम अपनी खुद की बात कर रहे हैं, भी लोगों का जीवन स्तर लाइफ स्टाइल है उसको सुधारने के लिए, लोगों की गरीबी दूर करने के लिए। तो बड़ा सिंपल सिंपल से पॉइंट, जैसे जीवन स्तर को सुधारने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, और प्रति व्यक्ति आमदनी, एक व्यक्ति की जो इनकम है उसको बढ़ाने के लिए, और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए, भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। क्योंकि रोजगार मिलेगा तो प्रति व्यक्ति है जो इनकम है वो बढ़ जाएगी, उससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, उससे हमारा जीवन स्तर सुधर जाएगा, और उससे हमारा, इसी को कहेंगे भी, हमारा इकोनॉमिक रूप से हमारा देश का डेवलपमेंट हो रहा है। तो भारत में नियोजन की आवश्यकता के कारण क्या है? नियोजन की आवश्यकता के कारण ये चीजें हैं, भी हम चाहते हैं लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के, लोगों का जीवन स्तर सुधारना है, लोगों की गरीबी दूर करने के लिए, प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ाने के लिए, प्रति व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति की, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी बढ़ाने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए। कहीं कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अपने आप भी यहां हमें प्लानिंग क्यों करनी चाहिए? ताकि रोजगार के अवसर बढ़े, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ेगी तो लोगों की गरीबी दूर होगी, गरीबी दूर होगी तो जीवन स्तर सुधरेगा, अर्थात हमारे आर्थिक विकास प्राप्त होगा। इसलिए हम प्लानिंग करते हैं, इसलिए हमें हमारे देश में प्लानिंग की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं भी नियोजन, भारत में नियोजन के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की गई है? तो अब अपने बात करते हैं भी भारत में नियोजन, भारत में नियोजन यानी प्लानिंग, नियोजन के लिए संस्था। तो ये अपने आप में बहुत प्यारा प्रश्न है भी भारत में नियोजन के लिए किस संस्था की स्थापना की गई? तो वो संस्था है बेटा योजना आयोग। तो नियोजन के लिए भारत में प्लानिंग के लिए कौन से कमीशन की स्थापना की गई थी? योजना आयोग की। ये केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यहां और लिख दूं, दो बातें। ये एक ऐसी संस्था है जिसका हमारे संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। एक चीज ध्यान रखिए बेटा, जो चीज हमारे देश के संविधान में नहीं है, अगर संविधान में है भी इस संस्था को आपको बनाना है तो उसको कहा जाता है संवैधानिक संस्था, और जिसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में नहीं है उसको कहा जाता है गैर संवैधानिक। तो योजना आयोग है वो एक गैर संवैधानिक संस्थान है। तो योजना आयोग क्या है? योजना आयोग, आपसे याद है, योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो एक गैर संवैधानिक संस्था है, क्योंकि हमारे संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। या ये कह सकता है, ये क्या करती है? गवर्नमेंट को सलाह देती है। तो हम कह सकते हैं भी ये एक सलाहकारी संस्था है। तो भारत में नियोजन के लिए कौन सी संस्था की स्थापना हुई? योजना आयोग की स्थापना की गई, प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई, जो कि एक गैर संवैधानिक और सलाहकारी संस्थान है। अब बात करते हैं बेटा इसकी स्थापना की, भी योजना आयोग की स्थापना या यूं कहें भी इसका गठन कब हुआ? तो योजना आयोग बनाया गया 15 मार्च 1950। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके कई दो तीन बार आ चुका है ये पिछले दो तीन साल में ही। योजना आयोग की जो स्थापना है वो कब की गई? 15 मार्च 1950 को।
कम से कम अगर आपको तारीख याद तो की कोशिश तो आप ये करें सारा याद रहे, नहीं रहे तो कम से कम बेटा ये जरूर याद रखें भी सन आपको अच्छे से याद हो भी योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो योजना आयोग की स्थापना है वो 1950 में हुई। तारीख पूछे तो 15 मार्च अगर आपको याद रहे 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई। उसके बाद यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है, इस योजना आयोग का अध्यक्ष भी योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, इस पर भी बात की गई। तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग का प्लानिंग कमीशन का चीफ कौन होता है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो अपने आप में बहुत प्यारे प्रश्न, कौन सी संस्था नियोजन के लिए देश में, कौन सी संस्था योजना आयोग, कब स्थापना हुई 15 मार्च 1950 को, किस प्रकार की संस्था है, गैर संवैधानिक और सलाहकारी संस्था है, और इस योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही, ये अपने आप में प्रश्न है बेटा, जैसे मैं लिखूं ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, ये अपने आप में प्रश्न है। दो प्रश्न पहले कर लिए अपनों ने भी नियोजन किसे कहते हैं और देश में नियोजन की आवश्यकता क्यों है। तो 3, 4, 2 6 प्रश्न अपने परीक्षा की दृष्टि से आ चुके हैं। अब अपने बात करते हैं दोस्तों इस योजना आयोग के कार्य, योजना आयोग के प्रमुख कार्य कौन कौन से है। तो नंबर एक, अब हम कार्य पढ़े भी, पहला काम क्या है, इसका काम है बेटा देश के आर्थिक और भौतिक, देश के भौतिक और मानवीय जो संसाधन है उनका अनुमान लगाना। देश के भौतिक व मानवीय संसाधनों का पता लगाना, ये इसका पहला काम हो गया। तो योजना आयोग के कार्य पर बात हो रही है, पहला काम हो गया देश के भौतिक व मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाना। दूसरा काम है संसाधनी, जो हमने संसाधनों का पता लगा लिया है, इन संसाधनों के आधार पर, संसाधनों के आधार पर विकास की योजना बनाना, डेवलपमेंट की योजनाएं बनाना, विकास की योजनाएं बनाना। तो पहला हो गया मानवीय संसाधनों का पता लगाना और दूसरा हो गया संसाधनों के आधार पर विकास की योजनाएं बनाना। और उसके बाद क्या है, हमने योजनाएं बना रही हैं तो हम एक चीज और भी करेंगे भी, प्लानिंग के अंतर्गत हम भी योजना आयोग क्या करता है भी, किस चीज की हमें ज्यादा जरूरत है, देश को किन चीजों की अब ज्यादा जरूरत है उनको पहले रखना है, उनको उनके लिए बजट है वो ज्यादा पारित करना है। इसलिए कहा जाता है प्राथमिकता के आधार पर, इसे हम इस प्रकार कहेंगे, प्राथमिकता के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों का, प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों का बंटवारा करना, किस राज्य की क्या ज्यादा जरूरत है उसके हिसाब से संसाधन बांटना। तो प्राथमिकता रखनी है, किसको क्या रखना है, प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों का बंटवारा करना है। तो हमने क्या कर लिया, भौतिक और मानवीय संसाधनों का पता लगाना, ये काम किसका है, प्लानिंग कमीशन का है। दूसरा, संसाधनों के आधार पर क्या बनाएगा, विकास की योजनाएं बनाएगा। तीसरा क्या है, प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों का बंटवारा करता है। और उसके बाद चौथे की अगर हम करें, योजना जितनी भी चलाता है तो योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करना, भाई पूरे साल पढ़ाते हैं पेपर तो लें, मूल्यांकन करना, योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करना भी, किस प्रकार से योजना है वो जो बनाई गई है उसका क्या आउटपुट आ रहा है उसके आधार पर। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, सरकार को
जब ये काम करती हैं तो उनको जो भी कोई समस्याएं आने वाली होती है तो उन समस्याओं के बारे में, बाधाओं के बारे में भी अवगत करवा सकता है। तो देखिए बेटा, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950, अध्यक्ष इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। योजना आयोग गैर संवैधानिक और सलाहकारी संस्था है। योजना आयोग का काम है देश के भौतिक और मानवीय संसाधनों का पता लगाना, ये ढूंढेगा भी कहां क्या क्या चीज मिलती है, फिर इन संसाधनों के आधार पर ही भी क्या चीज हमारे पास उपलब्ध है, भैया कितना बजट है उसके हिसाब से योजनाएं बनेंगी, तो विकास की योजनाएं बनाना, और फिर है प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों का बंटवारा करना। ठीक है, प्राथमिकता भी ये चीज, जैसे ये अभी हमें स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, तो इसका मतलब उसके आधार पर संसाधनों का भी, हाँ इस स्टेट में ज्यादा समस्या है तो वहां ज्यादा उनको संसाधन दे दिए जाएंगे, और योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करना, योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करना, ये प्रमुख चार कार्यों पर हमने बात की है। परीक्षा की दृष्टि से भी योजना आयोग के प्रमुख कार्य कौन से हैं बेटा, मैं आपको कहूंगा आप एक बार वीडियो सुनते रहें, अपनी कॉपी पेन लेके बैठिएगा ताकि आप वीडियो पोज कर करके या स्क्रीनशॉट लेके आप अपने अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा। आपके पास टाइम है अभी कुछ दिन का तो कोई दिक्कत नहीं, सारे टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, और इस प्रकार आप बार बार वीडियो को सुन के अच्छे से उसको याद रख सकते हो। और आपको ये लगता है भी हाँ ये बेनिफिट हो रहा है आपको, तो मैं ये बात जरूर कहूंगा बेटा अभी आप अपने दूसरे साथियों को भी इसको फॉरवर्ड कीजिएगा, उसमें उनके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मैं चाहता हूं इस लॉकडाउन के इस सिचुएशन में सब बच्चों को फायदा हो। घर पे वो ये नहीं सोचे कि हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है, मैं समझ सकता हूं आपकी सिचुएशन क्या है, लेकिन हमें किसी तरह की टेंशन नहीं रखनी है, हंसी मजाक करते रहना है, घर पे पढ़ाई करते रहनी है। और पहली बार देखिएगा घर वालों से आप फोन मांग के, जिन बच्चों को घरवाले फोन नहीं देते आप फोन मिल जाएगा अब आपको, और आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, बेनिफिट उठाइएगा। और ये चीजें आपको, आपके परिवार में आस पड़ोस को कंपटीशन की तैयारी करने वाला है तो चाहे वो रीट की तैयारी कर रहा है, कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, ग्राम सेवक की तैयारी कर रहा है, पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उन सब के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप अच्छे से इनकी नोट्स बनाए,
तो बेटा अभी आपने पढ़ा भी भारत में नियोजन के लिए संस्था कौन सी बनाई गई थी, तो वो थी योजना आयोग। और योजना आयोग काम क्या करती थी वो हमने लिखा, लेकिन एक महत्वपूर्ण काम जिसकी हम बार बार जिक्र करेंगे वो है पंचवर्षीय योजना बनाना। पंचवर्षीय योजना बनाना, जैसे वहां हमने अभी अभी जो कार्य पढ़े थे, जैसे देश के आर्थिक भौतिक संसाधनों का पता लगाना, फिर प्राथमिकता निर्धारण करना, उसके हिसाब से उनको बांटना, सरकार को अगर कोई किसी प्रकार के आर्थिक विकास में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको उनको उनके बारे में बताना, और योजना की प्रगति का है वो मूल्यांकन करने पर बात की, या यूं कहें भी पंचवर्षीय, ये भी अपने आप काम तो है उसका, पंचवर्षीय योजना बनाना ये भी योजना आयोग का काम था। लेकिन ठीक है, हमने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन कर दिया। अब बारी आई भी, ये तो केंद्र सरकार ने बनाया जो कि गैर संवैधानिक और उसको सलाह देने वाला संस्थान था जिसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर था, तो कहीं राज्यों को लेकर समस्या नहीं है क्योंकि भारत अलग अलग राज्यों में बंटा हुआ है। तो क्या किया गया, केंद्र सरकार ने क्या किया, योजना आयोग और राज्यों के बीच योजना आयोग, यही मैं लिखूं, इसी बात को जो मैं बोल रहा हूं वो यहां लिख दूं, योजना आयोग व राज्यों के बीच, राज्यों के मध्य तालमेल बिठाने के लिए, सामंजस्य बिठाने के लिए एक काउंसिल और बनाई। योजना आयोग बन गया, लेकिन इस योजना आयोग और स्टेट के मध्य, राज्यों के मध्य तालमेल बिठाने के लिए एक संस्था बनाई जिसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन क्यों किया गया, योजना आयोग और राज्यों के मध्य सामंजस्य बैठाने के लिए, योजना आयोग व राज्यों के बीच तालमेल बैठाने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन किया गया, यह अपने आप में प्रश्न हो गया। फिर उसी तरीके से प्रश्न भी, इसकी स्थापना, इसका जो गठन है इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी जो स्थापना हुई बेटा उसकी तारीख है 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को। हमने पढ़ा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, और इसका अध्यक्ष, जिस जो योजना आयोग का अध्यक्ष है वही इसका अध्यक्ष है, अर्थात प्राइम मिनिस्टर। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को, और इसका अध्यक्ष भी प्राइम मिनिस्टर होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष भी प्राइम मिनिस्टर ही होता है। अब राष्ट्रीय विकास परिषद एक तरीके से तो हो गया भी केंद्र और राज्यों के बीच में, क्योंकि योजना आयोग केंद्र सरकार का था, केंद्र और राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए इसको बनाया गया, तो समन्वय बनाना इस कमेटी का काम था, क्योंकि इसमें योजना आयोग के सदस्यों के साथ साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अब यहां एक बहुत प्यारा प्रश्न बनता है, योजना आयोग क्या करता है, योजना आयोग एक लाइन में अगर अपनी बात कहें तो योजना आयोग है वो पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है, 5 साल के लिए देश की प्लानिंग करता है और अध्यक्ष को प्रस्तुत कर देता है। अब इस पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देना और स्वीकृति प्रदान करने का जो काम है वो इसके पास है। गौर कीजिएगा, इस पंचवर्षीय योजना को, इस पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देना, अंतिम रूप देना व स्वीकृति प्रदान यानी अनुमोदन, स्वीकृति प्रदान करना, ये किसका काम था, राष्ट्रीय विकास परिषद का। कुछ भी नहीं याद रहे,
राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल बैठाने के लिए इसकी स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? राष्ट्रीय विकास परिषद की, एक बात। दूसरा, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य काम क्या है? पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देना और उसे स्वीकृति प्रदान करना, यानी उसका अनुमोदन करना। तो पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो उत्तर आएगा बेटा, राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना बनाना, बनाना तो किसका काम है? योजना आयोग का। पंचवर्षीय योजना, 5 साल की योजना कौन बनाता है? प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग बनाता है। लेकिन उन योजना को अंतिम रूप देना और स्वीकृति प्रदान करने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? राष्ट्रीय विकास परिषद की है, राष्ट्रीय विकास परिषद की है। तो ये तो हो गई आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद की बातें। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बहुत ही प्यारी बात अगर हम करें, क्योंकि अब इन दोनों का ही कोई अस्तित्व नहीं है। प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी के बनने के बाद इन्होंने इस योजना आयोग को खत्म कर दिया और इसके स्थान पर एक नई संस्था का गठन किया गया। गौर कीजिएगा, योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था बनाई गई। कौन सी बनाई गई? उसका नाम है नीति आयोग। ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है इस साल के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए। नीति आयोग, योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्थान का जो है वो गठन किया गया है? तो वो है बेटा नीति आयोग, नीति आयोग। और दूसरा, इसका वही दो महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका गठन, अगला प्रश्न ये है भी इसका गठन यानी इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। तो नीति आयोग की स्थापना बेटा कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। और इसका दूसरा प्रश्न, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ही होगा। क्या था योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को और इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? प्राइम मिनिस्टर। तो 15 मार्च 1950 अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर। और योजना आयोग की जो योजनाएं बनती हैं उनको अंतिम रूप देने, स्वीकृति प्रदान करने और राज्यों के बीच तालमेल बैठाने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद बनाई गई। कब बनाया गया? 6 अगस्त 1952 को बनाया गया और इसका अध्यक्ष भी प्राइम मिनिस्टर। अब इनके स्थान पर यानी इस योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्थान बनाई गई है जिसका नाम है नीति आयोग। क्या नाम है? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को और इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो 1950 में योजना आयोग बना, अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर। जो कि योजना आयोग क्या था? एक गैर संवैधानिक संस्थान। ध्यान दीजिए, चाहे आपसे योजना आयोग की बात पूछ ले ये गैर संवैधानिक, राष्ट्रीय विकास परिषद पूछ ले ये भी गैर संवैधानिक और नीति आयोग भी गैर संवैधानिक, क्योंकि इन सब का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। तो ये था बेटा आपका सामान्य परिचय भी। नियोजन किसे कहते हैं?
एक प्रश्न नियोजन किसे कहते हैं, दूसरा नियोजन की आवश्यकता क्यों है देश को, फिर हमने कहा नियोजन के लिए कौन सी संस्थान बनी, योजना आयोग बनी, चौथा प्रश्न इसकी स्थापना कब हुई, 15 मार्च 1950 को, फिर है इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ये किस प्रकार का निकाय है, एक गैर संवैधानिक सलाहकार निकाय है, इसके कार्यों पर बात की हमने, फिर हमने कहा इसके स्थान पर कौन सी नई संस्थान आ गई, वो नीति आयोग है, इसका गठन कब हुआ, 1 जनवरी 2015, इसका अध्यक्ष कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, योजना आयोग और राज्यों के बीच तालमेल के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन 6 अगस्त 1952 को, इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम अनुमोदन कौन करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। तो इस प्रकार ने बच्चों लगभग 15-16 छोटे छोटे प्रश्न आपको इस लेक्चर में है वो तैयार हो चुके हैं, उम्मीद करता हूं आप इसको अच्छे से कवर करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं अब तक कौन कौन से प्रश्न इसके अंतर्गत आ चुके हैं आपके बोर्ड परीक्षा में। जैसे एक प्रश्न तो आ चुका है 2018 का जो मेन पेपर था, 2018 का जो मेन पेपर था उसमें प्रश्न आया था योजना आयोग का गठन कब हुआ, योजना आयोग का 2018 में तो ये पूछा है योजना आयोग का गठन कब हुआ, 15 मार्च 1950 को, और अगर वहां सिर्फ आप 1950 भी लिखोगे तब भी सही माना जाएगा, योजना आयोग का गठन कब हुआ 1950 को, ये प्रश्न 2018 वाले पेपर में आ चुका है, मेन पेपर जो हुआ था उसके अंतर्गत आ गया। उसके बाद 2018 में प्रश्न आया कि भारत में नियोजन की आवश्यकता के दो कारण लिखे, दो कारण हमने शुरू में ही लिखे आपको अगर याद हो तो, भारत में नियोजन की आवश्यकता के जो क्या क्या कारण है, भी नियोजन क्यों करना चाहिए उसकी बात हमने वहां की। उसके बाद जो 2018 का जो सप्लीमेंट्री का जो पेपर हुआ, पूरक परीक्षा जो हुई, उसमें भी यही प्रश्न पूछ लिया गया दोबारा भी, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, मेन परीक्षा में भी यही प्रश्न पूछा और सप्लीमेंट्री के एग्जाम में भी यही प्रश्न आ गया। उसके बाद जो 2018 का ही जो मूक बधिर बच्चों के लिए जो पेपर होता है, अलग से होता है उनका पेपर, उसमें जो प्रश्न आया उसका, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही रहता है पेपर अलग अलग है, उसमें प्रश्न था बेटा भी योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो 2018 में देखिए, 2018 में गठन का प्रश्न भी आ गया और 2018 के पेपर में योजना आयोग के अध्यक्ष का भी आ गया, भी प्राइम मिनिस्टर होता है। उसके बाद 2019 की अगर बात करें तो जो मूक बधिर बच्चों के लिए जो पेपर हुआ उसमें प्रश्न आया योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो उनके लिए भी यही प्रश्न आ गया। तो इस साल के लिए मुझे ऐसा लगता है, हालांकि देखिए आपको मैं कह रहा हूं भी एक ही प्रश्न रिपीट भी हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है भी उसको छोड़ दें इसको कर लें, हमें आने वाले कॉम्पिटिशन परीक्षाओं की दृष्टि से भी तैयारी करनी है। तो योजना इस बार नीति आयोग गठन 1 जनवरी 2015, अध्यक्ष इसका प्राइम मिनिस्टर, किसके स्थान पर स्थापना हुई योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग कब क्या करता था, पंचवर्षीय योजना बनाता था, इसका अंतिम अनुमोदन कौन करता था, राष्ट्रीय विकास परिषद करता था, जो कब आई थी 1952 में आई थी। तो इसको अच्छे से आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा और अच्छे से